हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गौरी गणपति स्पेशल मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। इंस्टेंट मोदक की रेसिपी है। तो आज हम बनाने वाले हैं रस मलाई मोदक की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना भी उतना ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं ये रस मलाई मोदक। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर फ्रेश मलाई पनीर लिया है। ये हम इस मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छे से बारीक ऐसा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन ऐसे हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पनीर जो है बिल्कुल फाइन ऐसा पीस लिया है। बिल्कुल अच्छे से हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप जो पनीर ले रहे हैं वो थोड़ा सा सख्त है, तो उसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून दूध डालकर वो पनीर जो है इस तरह से हमें ये पनीर जो है बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा पीस लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पनीर जो है कढ़ाई में अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो जिस कटोरी के नाप से हमने पनीर नाप कर लिया था 1 कटोरी, उसी कटोरी के नाप से हमें मिल्क पाउडर भी 1 कटोरी लेनी है। तो ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच कैजू की पाउडर मैंने बना ली है। इस तरह से फाइन ऐसी पाउडर बना लेनी है कैजू की। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट आती है इन मोदक में। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 5 चम्मच पीसी हुई चीनी ली है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से गैस पर ये कढ़ाई चढ़ाने से पहले ये अच्छे से एक सा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पर। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम हमें लो करनी है और लो फ्लेम पे हमें ये बैटर जो है इसका अच्छे से गाढ़ा ऐसा डो बनने तक हमें अच्छे से ये कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसका डो बना लेना है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, तो इसका थोड़ा सा और गाढ़ा ऐसा ये डो बनना चाहिए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए हमें ये डो बना लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें याद रखना है कि लो ही रखनी है। केसर का दूध डालने के बाद हमें 1 मिनट के लिए ही ये बैटर जो है वो गैस पर रखना है लो फ्लेम पर, और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। और इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आपके पास अगर रसमलाई एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो इलायची पाउडर डालकर हमें ये एक सा कर लेना है। उसके बाद कुछ रोज पेटल्स जो है वो इस तरह से फ्रेश रोज पेटल्स मैंने लिए है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैंने ये पिस्ता जो है इस तरह से स्लाइस में कट किए हुए हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें पहले बंद कर देनी है और इसे अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर हम इसके मोदक बना लेंगे, मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोदक बनाने के लिए ये वाला जो मोल्ड है ये मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोदक का मोल्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो मोदक का मोल्ड है इसे पहले हमें देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद हम इसमें मोदक बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये मोदक का मोल्ड जो है इसे देसी घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ पिस्ता जो है इस तरह से ये मोल्ड जो है इसके अंदर की साइड से डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया ऐसा हमारा ये मोदक जो है वो दिखने में दिखता है और इसकी गार्निशिंग बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये मोल्ड जो है देसी घी से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर से कुछ पिस्ता स्लाइस किए हुए लगा लेने हैं और फ्रेश रोज पेटल्स जो है वो भी लगा लेने हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमने जो ये मोदक का रस मलाई मोदक का स्टफिंग बना लिया है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है हमें। इसी तरह से सभी मोल्ड में हम ये स्टफिंग जो है अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये मोल्ड जो है दोनों तरफ से अच्छे से स्टफिंग से फिल कर देना है। उसके बाद ये इस तरह से हम लगा देंगे ये मोल्ड और इसे अच्छे से दबाते हुए इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम और रस मलाई मोदक का स्टफिंग जो है वो इस तरह से दबाते हुए भर लेंगे, एक्स्ट्रा का निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी मोल्ड में अच्छे से दबाते हुए भर लेती हूँ। जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से हमें ये मोदक जो है वो बना लेने हैं मोल्ड से। ये देखिए, इस तरह से हमें ये बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए अच्छे से ये देखिए इस तरह से ये मोदक बना लेने हैं और फिर ये मोदक इस तरह से हमें निकाल लेने हैं। ये देखिए,
वाओ, बहुत ही बढ़िया हमारे ये रस मलाई मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। जो एक्स्ट्रा का स्टफिंग है वो हमें इस तरह से इसी के ऊपर, मोदक के ऊपर लगा देना है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा ये मोदक बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, और बहुत ही बढ़िया हमारा ये रस मलाई मोदक बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सभी मोदक जो है वो बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये बहुत ही बढ़िया ऐसे रस मलाई फ्लेवर के रस मलाई मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, दिखने में ही बहुत ही ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप भी इस तरह से भगवान जी के लिए ये भोग बनाइए, इंस्टेंटली ये मोदक बनकर रेडी हो जाते हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।